हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को पिस्टल से चिकन बनाने की कोशिश करूंगा, और चिकन होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं होता है फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं कोचिंग की उतर जाता हूँ और गैराज में मुझे गाड़ी नहीं मिलती है, और इस वाले बंदे में एक बंदा था उसको मैं इग्नोर मार के सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि पता था मुझे यहाँ पर गाड़ी मिलना ऑब्वियसली लाजमी है। और यहाँ से गाड़ी मिलते ही इधर मैं वाटर सिटी में आ जाता हूँ, क्योंकि वाटर सिटी में कोई बंदा नहीं था और मुझे पता था कि यार यहाँ पे गन मिल जाएगी, क्योंकि पिस्टल भी मिल जाएगी इजीली से, यहाँ पे मुझे पिस्टल इजीली से मिल जाती है। और मैं जो भी गन वन है उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद जो फर्स्ट एड वगैरह उठा लेता हूँ। क्योंकि देखो, आप लोगों को रूल तो पता ही होंगे कि भाई सबसे पहले तो उसमें रूल सबसे बड़ा है कि अब थ्रोवेल्स जितने भी हैं उसका सारे का यूज़ कर सकते हैं, और हेल्थ का यूज़ कर सकते हैं, और गन का किसी को भी यूज़ नहीं करेंगे, पिस्टल से ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो और स्मोक और मॉली अब थ्रोवेल्स में ही वो आता है, वो सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घूम ही आता था, तो यहाँ पे एक बोट आ जाता है, उस बोट को पेलते हैं इजली से, और उसके बाद यहाँ से जितना भी थोड़ा सा लूट है, क्योंकि पिस्टल थी, पिस्टल की गोली ज़्यादा मेरे पास नहीं थी, तो गोली वोली देखने के लिए। और मैं इसका मैग ढूंढ रहा था बहुत देर से, यार मैग नहीं मिल रहा था इस पिस्टल का, तो मैं सोचा था कि अगर मैग मिल जाए तो ईजिली 40 गोली रिलोड हो जाएगी, तो बंदे को मारने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। बट यहाँ से सामने से गाड़ी आती है, मैं थोड़ा सा बोट फायर करने की इसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, बट ये बंदा बहुत ठीक था, ये आता नहीं वापस लौट के, पता था कि यार बंदा होगा तो वोट फायर कर रहा है। और यहाँ पे मैं उसको इग्नोर मार के इधर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, तब तक मैं यहाँ पे इधर आके टीपीपी लेने लग जाता हूँ। और उसके बाद ये बंदा अंधा आँख कुछ रखने लगता है, और इसको मैं इजीली पेल देता हूँ, और ये बंदा ठीक ठाक लग रहा था यार। और इसके पास काफ़ी अच्छी लूट थी, और मैं सारी इसको लूट ले लेता हूँ, और जितनी भी इसकी गन थी वो सारी ड्रॉप करके ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टीकर विस्टीकर बनाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने भी थोड़ा सा कहीं पर यार ट्रिक देखी थी, तो यहाँ पे मैं स्टिकर बना देता हूँ, और यहाँ पे साइड में टीपीपी लेन ले जाता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा भी आ जाता है मेरे ऊपर रश करने के लिए, तो ये वाला बंदा टोटली कन्फ्यूज़ होने वाला है, क्योंकि साइड में स्टिकर बना हुआ है और इसका जो पूरा की पूरा ध्यान है उसी पे जाने वाला है। तो आप लोग देखिए, और ये अब मुझे लग रहा है कि रश करने वाला है मेरे ऊपर, और ये जैसे ही गेट खुलेगा मैं इसको पेल दूंगा, बस ये अभी मरा नहीं है, बस इसको डैमेज तो मैं कर ही चुका था, और इसको आसानी से इसको भी मार देते हैं। और इसके पास भी काफ़ी अच्छी लूट थी, तो एटैक्स एस के एस मतलब काफ़ी अच्छी लूट थी इसके पास भी। और इस सारी लूट को इग्नोर करने के बाद यहाँ पे सुनाई देती है, और मैं इस बंदे को देख ही जाता है कि यार मुझे ऊपर कवरेज कर रहा है, मैं यहाँ पे टीपी पे ले लग जाता हूँ, और ये बंदा उल्टा रस करता है और देता है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।